हाय दोस्तों, सो एक और ट्यूटोरियल लेकर आ गई हूँ आज आपके लिए, और ये बहुत ही आसान पैसा वसूल मेकअप ट्यूटोरियल से कह सकते हैं। और जी हाँ, यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है ये ब्यूटीफुल एयरब्रश्ड विंटर पार्टी ग्लैम मेकअप। सो अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से मैंने ये लुक क्रिएट किया है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट विद द ट्यूटोरियल। सो स्किन में मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन प्लस जलन हो रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का टी ट्री एसेंशियल ऑयल। इसे आप अपने पूरे बेयर फेस पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने जैसे प्रीवियस वीडियो में देखा था, आप इसे पानी में फ्यू ड्रॉप्स ऐड करके आप फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। बट मुझे नोज एरिया में एंड चीक्स में, और थोड़े थोड़े से आप देख सकते हैं पिंपल भी मेरे आ रखे हैं, रेडनेस की भी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। विंटर में ये होता ही रहता है मेरे साथ। विंटर में मैं कहूँगी कि ज़्यादा ड्राई प्लस सेंसिटिव स्किन हो जाती है मेरी। सो अगर आप भी इस तरह की आपकी स्किन टाइप है, तो आप ये प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ कीजिए। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हीलिंग प्रोडक्ट है ये। इसके बाद मैंने लिया है ये पर्पल का 24K गोल्ड ऑयल। आप देख सकते हैं चेहरे पे बिल्कुल भी ग्लो नहीं है मेरे, बिकॉज बहुत ही रूखी त्वचा हो रखी है। सो इसलिए मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करूँगी टू ब्रिंग दैट ग्लो, ठीक है। एंड ऑल्सो फाउंडेशन से पहले इस तरह से आप स्किन को अच्छे से तैयार कीजिए। जो आपका फाउंडेशन होगा काफ़ी देर तक रहेगा, स्पेशली विंटर टाइम्स में। ऐसी स्किन होती है जिनके फाउंडेशन टिकते नहीं हैं, सो मैं इस तरह से रेकमेंड करूँ। ब्यूटीफुल ग्लो देता है, मॉइस्चराइज कर देता है। फिर मैंने यहाँ पे लिया है ये गुड वाइब्स का टी ट्री जेल, जो कि मैं एज अ प्राइमर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही कूलिंग इफेक्ट देता है फेस को, एंड ऑल्सो जो टी ट्री भी यूज़ किया था मैंने, वो भी कूलिंग इफेक्ट देता है। बट प्राइमर के लिए ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास प्राइमर नहीं है। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का बीबी क्रीम, जो कि ओरिजिनल शेड में है, और ये आइवरी शेड ही है। एंड इसके साथ मैं मिक्स करूँगी विश केयर का ये ग्लिसरिन। सो इन दोनों को मिक्स करके आज मैं अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज मुझे एयरब्रश बेस चाहिए। एंड जी हाँ दोस्तों, मुझे ये टेक्निक बहुत अच्छा लगा। सो यहाँ पे मैं भूल गई कलर करेक्शन करना अगेन। सो यहाँ पे कलर करेक्शन कर रही हूँ मैं, पर्पल का ही यूज़ कर रही हूँ पैलेट, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है एंड इट्स टू गुड। हाईली सजेस्ट करूँगी ये पैलेट, अगर अभी तक आपने परचेज नहीं किया है तो ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए इसमें। बहुत ही अच्छा है, आपको सारे ही कलर करेक्टर्स इसमें अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। तो व्हाट आई वाज सेइंग, मैं क्या बता रही थी आपको, या अबाउट द ग्लिसरीन। सो ग्लिसरीन जो है ना, आपकी स्किन को एक तरह से मॉइस्चर देगा दोस्तों। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ बताया है, अगर आपके पास ग्लिसरीन है तो आप फाउंडेशन में मिक्स कर सकते हैं इसे, ठीक है। कोई भी फाउंडेशन में आप मिक्स कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बीबी क्रीम में भी इसे मिक्स कर दिया है, तो आपके पीएच लेवल को भी ये मेंटेन करेगा, आपके ओपन पोर्स में फाउंडेशन को जाने नहीं देगा। तो ये एक तरह से कहूँगी कि आपकी स्किन को ही प्रोटेक्ट करेगा ग्लिसरीन, एंड ऑल्सो आपके मॉइस्चर को लॉक कर देगा। काफ़ी सॉफ्ट एंड स्मूदिंग टेक्स्चर बनाएगा ये फाउंडेशन का, और सेंसिटिव स्किन वाले इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ फाउंडेशन को, और इसको ब्लेंड करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। द रिज़ल्ट वाज अमेजिंग दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल और स्मूथ फिनिशिंग थी मेरे फाउंडेशन की। फिर मैं यहाँ पे NY बे आलमंड ऑयल इन्फ्यूज्ड स्टिक यूज़ कर रही हूँ टू कंसील एंड टू हाईलाइट। ये वॉर्म आइवरी शेड में है, इसको एज अ फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं आप। एंड जिस एरिया में मुझे हाईलाइट चाहिए, वहीं पे मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। इसमें आपको बहुत सारे शेड्स अवेलेबल मिलेंगे, purple.com में आप चेकआउट कीजिएगा, ये आपको उसमें अवेलेबल मिल जाएगा। इसके बाद मैंने लिया ये स्टेक होकी का ट्रांसलूसेंट पाउडर, जो कि पुट आउट शेड में है, और अभी मैं रिसेंटली इसको बहुत यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी लाइट वेट ट्रांसलूसेंट पाउडर है, एंड ऑल्सो काफ़ी अच्छे से ये बेस को स्मूथ इफेक्ट देता है, सॉफ्ट फोकस वाला लुक देता है ये। और यहाँ पे मैं आई शेडो बेस के लिए यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक, जो कि मेकअप रेवोल्यूशन की है, ये वेलवेट मैट स्ट्रक शेड में है ये। सो बहुत ही प्यारा ये लाइलाइक शेड, एज अ ट्रांजिशन शेड इसको अप्लाई करूँगी पूरे लिड पे। क्रीमी टेक्सचर है, सो इजीली ये अप्लाई हो गया।
फिर यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का ग्लिटर आई शेडो जो है स्मोकी स्टॉर्म O4 में, और ये बहुत ही प्यारा सिल्वर एंड हल्का सा रोज गोल्ड शेड है ये, तो इसको पूरे लिट पे अप्लाई कर रही हूँ। सो इफ यू आर गोइंग फॉर अ पार्टी जो कि डे पार्टी है या नाइट पार्टी है, तब भी आप ये वाला ग्लिटर यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पिगमेंटेशन है इसकी, और जो उसके शिमर ग्लिटर्स भी है ना, बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद आया। सो ये बहुत ही सिंपल एंड क्विक आई मेकअप है जिसमें आपको बिल्कुल भी कोई समय नहीं लगेगा क्रिएट करने में। तो यहाँ पे लिया है मैंने पर्पल का लैश एक्सटेंडर मस्कारा, ब्लैक में है, और अगेन करेंटली ऑब्सेस्ड हूँ इस मस्कारा से, काफ़ी अच्छे से वॉल्यूम देता है लैशेस को। के बाद मैंने लिया है इस टेक वोकी का बैड एस ड्रामा क्वीन जेल आईलाइनर, ब्लैक में है ये, और विंटर्स के लिए परफेक्ट है ये वाला आईलाइनर। स्पेशली जेल आईलाइनर्स ही मैं रेकमेंड करूँगी, किसी किसी को प्रॉब्लम होती है कि उनके आंखों के ऊपर लग जाता है, सो अगर इस तरह की आपको प्रॉब्लम होती है तब आप नॉर्मल आइलाइनर्स यूज़ कर सकते हैं लिक्विड वाले जो कि एकदम से ड्राई हो जाते हैं, बट आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल वाला लुक देता है ये। सो यहाँ पे मैंने लैशेस पॉप कर दिए हैं, और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पर्पल पैलेट में से क्रीम कॉन्टोर जो कि मेरा फेवरेट है, बहुत ही अच्छे से ये मेरे फेस को चेंज कर देता है, एक्सेंचुएट कर देता है, चबी चीक्स को पतला बना देता है, कट लुक देता है। सो मैं हाईली सजेस्ट करूँगी ये, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये पैलेट इतना अच्छा है, ज़रूर ज़रूर इस पर इन्वेस्ट कीजिए, और स्पेशली जो उसका क्रीम कॉन्टोर है मुझे बेहद पसंद है। ये क्रीम कॉन्टोर बहुत अच्छे से जाएगा ब्राइडल मेकअप के लिए, सो इफ़ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट तो आप ये वाला क्रीम कॉन्टोर ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने अपने यूजुअल एरियाज को यहाँ पे एक्सेंचुएट किया है। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है ये आर्च अराइवल ब्राउ डिफाइनर शुगर का जो कि जेरी ब्राउन शेड में, 3-in-1 है ये, बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होता, ना ही आपके आईब्रोज ख़राब होंगे। कभी कभार होता है ना कि उंगलियाँ लग जाती है तो ख़राब हो जाता है एकदम से, प्रोडक्ट एकदम से स्मज आउट हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है ये। इसके बाद मैंने लिया है ये पर्पल की लिपस्टिक जो कि अल्ट्रा HD वेलवेट मैट लिपस्टिक है, शेड है ये कंपेनियन में समथिंग शेड है ये कैंपिंग कंपेनियन, और इसको मैं एज अ ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, आप कोई भी लिपस्टिक हो आप उसे एज अ ब्लश अप्लाई कर सकते हैं, मुझे ये वाला शेड बहुत पसंद है तो इसलिए मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ मेरे चीक्स पे। सो यहाँ पे टोन डाउन करने के लिए मैं थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट पाउडर उसी के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। नाउ टू सेट माई मेकअप मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का एलोवेरा एंड विटामिन, ये सेटिंग स्प्रे है, बहुत अच्छा है, एक्नी प्रोन्स के लिए हाईली रेकमेंड करूंगी, अच्छे से मेकअप को लॉक कर देता है, रिफ्रेश बनाता है एंड हाइड्रेट फील करवाता है आपकी स्किन को। एंड जहाँ पे मैं थोड़ा सा फैन कर रही हूँ सो दैट मुझे और ज़्यादा यू नो रिफ्रेशिंग वाला फील आए, और अगेन करेंटली मेरा फेवरेट है ये आइकॉनिक लंडन हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ मैं यूजुअल हाईलाइट पॉइंट्स पे, बहुत ही ब्यूटीफुल ग्लो देता है ये, और ये हाईलाइटर मैं रेकमेंड करूँगी अगर आप वेडिंग फंक्शन में जा रहे हैं, कोई भी नाइट पार्टीज में जा रहे हैं, तब इस तरह से अप्लाई कीजिए इसको, बहुत ही प्यारा ग्लो देता है दोस्तों ये। ये जो मेकअप है ये एक्चुअली मैं शाम के लिए तैयार हो रही हूँ मैं, तो इसीलिए मैंने ये अप्लाई कर दिया। देन मैं लिप बाम यूज़ कर रही हूँ NYB का लिप पाउटिंग ब्रॉडवे लिप बाम है ये बटर स्कॉच में, और मुझे बेहद पसंद है, इसकी खुशबू इतनी यम है ना दोस्तों। सो यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई करने जा रही हूँ, सो लिपस्टिक के लिए सेम जो प्रोडक्ट मैंने अपने लिट पे अप्लाई किया है आई शेडो बेस के लिए स्ट्रक वाला मेकअप रेवोल्यूशन का, वही अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो आप इस तरह भी रख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये शेड भी बहुत प्यारा लग रहा है, इट्स अ न्यू शेड लैलैक पर्पल मिनी, ये है माय फर्स्ट बेस शेड में, मेरे को ये शेड अच्छा लगा क्योंकि मेरे हल्का सा यू नो ऐसा लग रहा था कि जो मैं जैकेट पहनने जा रही हूँ इस लुक के साथ उसके साथ थोड़ा सा ये कॉम्बिनेशन दे रहा था।
आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का मेकअप कैसा लगा, और जरूर ट्राई कीजिएगा इस लुक को। इट्स अ ब्यूटीफुल विंटर ग्लैम मेकअप ट्यूटोरियल। को पता है क्या करना है, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, हिट द नोटिफिकेशन बेल। और मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।